राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने लोहरदगा के भक्सो और रामपुर गांव में ग्रामीणों से किया संवाद, अलग अलग योजनाओं का किया निरीक्षण, कहा गांव विकसित होंगे तो होगा सभी का विकास। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने झुमरी तलैया में नए पुस्तकालय भवन की आधारशिला रखी, कहा इस नए भवन के बन जाने से युवाओं को होगा काफी फायदा। प्रदेश भाजपा प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी गुमला में लाभार्थी सम्मेलन में बोले, 9 वर्षों में मोदी सरकार के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को लेकर हुए ऐतिहासिक कार्य। लातेहार पुलिस ने माओवादियों के मारक दस्ता गुरिला विंग के 2 सदस्यों को किया गिरफ्तार, गारू जंगल से हुए गिरफ्तार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने आज अपने लोहरदगा दौरे के क्रम में भक्सो और रामपुर गांव में ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और पौधारोपण किया। राज्यपाल ने यहां मनरेगा समेत कई अन्य योजनाओं का निरीक्षण और इलाके में विकास की स्थिति की समीक्षा भी की। ग्रामीणों ने इस दौरान राज्यपाल के समक्ष सड़क और सिंचाई की समस्या भी रखी, जिसे राज्यपाल ने प्रमुखता से लेते हुए उपायुक्त को जरूरी निर्देश दिए। इस दौरान राज्यपाल ने विभिन्न योजनाओं से संबंधित परिसंपत्तियों का वितरण भी किया। राज्यपाल ने कार्यक्रम स्थल पर लगाए गए विभिन्न विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण किया और कहा कि गांव विकसित होगा तो सभी का होगा विकास। विलेज पीपल टू द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन द बेस्ट पॉसिबल वे, द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज आल्सो नोटेड एवरीथिंग, ऑल द जेन्युइन ग्रीवेंसेस विल बी एड्रेस्ड विदाउट any hesitation at the shortest period. The irrigation is the biggest problem for this particular village also, that will be addressed soon. ओडिशा के बालासोर में हुए रेल हादसे की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी है। सीबीआई की टीम ने आज घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। रेलवे बोर्ड ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। इस जांच से दुर्घटना के असली कारणों का पता चल सकेगा। सीबीआई ने उड़ीसा के बालासोर रेल हादसे मामले में एक एफआईआर आईपीसी की धारा 337, 338, 304 ए, 34, 153, 154, 175 रेलवे एक्ट सेक्शन में दर्ज की है। इस सिलसिले में या इस एफआईआर में लगाई गई धाराओं के बारे में आधिकारिक जानकारी सीबीआई आज जारी कर सकती है। रेलवे बोर्ड ने रविवार को सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। सीबीआई जांच कर बताएगी कि आखिर दुर्घटना की असली वजह क्या थी। रेलवे ने ओडिशा ट्रेन हादसे में ड्राइवर की गलती और सिस्टम की खराबी की संभावना से इनकार करते हुए संभावित तोड़फोड़ और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम से छेड़छाड़ के संकेत दिए हैं। दक्षिण पूर्व रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी आदित्य कुमार चौधरी ने कहा कि सीबीआई और रेलवे आपस में समन्वय कर जांच कर रहे हैं और रेलवे सीबीआई को हर तरह का सहयोग पहुंचा रही है। इस बीच रेलवे ने लोको पायलट की कथित मौत के सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावे को भ्रामक बताया है और लोगों को अफवाहों से दूर रहने की सलाह दी है। ओडिशा रेल हादसे में लापता लोगों के परिजनों के लिए 3 लिंक जारी किए गए हैं। इसमें मृतकों की तस्वीरें और अस्पताल में भर्ती यात्रियों की लिस्ट दी गई है। इससे परिजन अपने परिवार के सदस्यों का पता लगा सकते हैं। साथ ही साथ इंडियन रेलवे और बीएमसी की ओर से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। इंडियन रेलवे का हेल्पलाइन नंबर है 139 जबकि बीएमसी का हेल्पलाइन नंबर है 1800-345-0061 और 1929। रेलवे की तरफ से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है जो 24 घंटे काम करेगा। रेल दुर्घटना में प्रभावित यात्रियों के परिवारों या रिश्तेदारों के लिए हेल्पलाइन नंबर 139 काम कर रहा है। इस हेल्पलाइन नंबर को वरिष्ठ अधिकारी खुद देख रहे हैं। इसके अलावा भुवनेश्वर नगर निगम हेल्पलाइन नंबर 1800-345-0061 1929 भी 24x7 काम कर रहा है।
ओडिशा में शुक्रवार शाम को हुई भयानक रेल दुर्घटना के बाद एक आधिकारिक दस्तावेज से पता चला है कि रेलवे ने पिछले 5 सालों में रेल सुरक्षा पर 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च किए हैं। इस समय के दौरान पटरी के मरम्मत पर खर्च में लगातार बढ़ोतरी देखी गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा कि रेलवे के सुरक्षा मानकों में गिरावट को लेकर लोगों में गंभीर चिंता है। खड़गे ने अपने पत्र में दावा किया था कि राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष के वित्त पोषण में 79% की भारी कमी आई है। हालांकि आधिकारिक दस्तावेज के आंकड़ों से पता चला है कि 2017-18 से 2021-22 तक रेलवे ने आरआरएसके के कार्यों पर 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए। फरवरी 2022 में सरकार ने 2022-23 से इसकी वैधता को 5 साल के लिए बढ़ा दिया। रेल की पटरियों के नवीनीकरण के आंकड़ों से पता चलता है कि 2017-18 से 2021-22 के दौरान इस पर खर्च ने स्थिर वृद्धि दिखाई है। दस्तावेज में कहा गया है कि पटरियों के नवीकरण पर खर्च 2017-18 में 8,884 करोड़ रुपए से बढ़कर 2020-21 में 13,522 और 2021-22 में 16,558 करोड़ रुपए हो गया। कोडरमा के झुमरी तिलैया में तकरीबन 2 करोड़ की लागत से नए पुस्तकालय भवन का निर्माण किया जाएगा। आज केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी और विधायक डॉ नीरा यादव ने संयुक्त रूप से पुस्तकालय भवन की आधारशिला रखी। मौके पर उपायुक्त आदित्य रंजन और डीडीसी ऋतुराज मौजूद थे। कोडरमा के झुमरी तिलैया में आज केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी और विधायक डॉ नीरा यादव ने संयुक्त रूप से पुस्तकालय भवन की आधारशिला रखी। इस दौरान केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि वर्तमान में जिला प्रशासन के प्रयास से लाइब्रेरी का संचालन किया जा रहा है, लेकिन इस नए भवन के बन जाने से यहां के युवाओं को काफी फायदा होगा। पुस्तकालय बनने से यहां के बच्चों को काफी सुविधा होगी। बहुत दिनों से ये डिमांड भी था। एक छोटा सा पुस्तकालय बना हुआ है, डीसी साहब अपने प्रयास से उसको कराए थे, लेकिन हमें लगता है कि ये जब बनेगा तो हर तरह से सुविधा युक्त ये पुस्तकालय भवन बनने जा रहा है। यहाँ के बच्चों को काफी सुविधा होगी। पुस्तकालय भवन में एक साथ 300 से 400 बच्चों के बैठने की व्यवस्था होगी। इसके अलावे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए इस नए पुस्तकालय भवन में व्यापक इंतजाम किए जाएंगे। फिलहाल झुमरी तिलैया नगर परिषद के कौशल विकास भवन में लाइब्रेरी का संचालन किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जरूरतमंद बच्चों को यहाँ पुस्तकें भी मिल सकेंगी। हमारे बच्चे बहुत ही प्रतिभाशाली हैं और बहुत सारे ऐसे गरीब भी बच्चे हैं जिनको हर तरह की किताबें जो कंपटीशन के लिए ज़रूरत है या अन्य उनको नहीं उपलब्ध हो पा रहा, तो कहीं ना कहीं इसके बनने से वैसे प्रतिभाशाली बच्चों के लिए फायदा होगा। साथ ही साथ आज JSLPS के कोडरमा प्रखंड कार्यालय और स्पेशल ब्रांच के नए भवन का भी उद्घाटन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी और विधायक नीरा यादव ने दोनों भवनों का अवलोकन भी किया और वहां बहाल की जाने वाली सुविधाओं की जानकारी ली। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी की रिपोर्ट। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद से मोदी सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। आम जनता को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं से लेकर बुनियादी ढांचे में कई बड़े निवेश किए गए हैं। इन कार्यों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीकार्यता बढ़ी है। 2000 ऐसे कानून थे जो समसामयिक नहीं रहे थे, उसको निरस्त करने का बड़ा साहसी काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मोदी सरकार में हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए भाजपा की ओर से गुमला में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान प्रदेश भाजपा के प्रभारी और राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई।
गुमला में पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश भाजपा के प्रभारी और राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में केंद्र सरकार ने कई आयाम तय किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की अगुवाई में गरीबों के लिए आवास से लेकर उनकी चौखट तक गैस चूल्हे पहुंचाने का काम किया गया है। उनके लिए जो काम हुए हैं उनको जनता की चौखट तक और चूल्हे तक पहुंचाना, भारतीय जनता पार्टी ने इस अभियान के विभिन्न आयाम स्थापित किए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी जी जब से सरकार में आए हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री, तब से बिना रुके बिना थके केवल गरीबों की चिंता करते हैं। उन्होंने जाति धर्म और पंथ से ऊपर उठकर काम किया है। उन्हें गरीबी और उस अभिशाप की परिस्थितियों का अनुमान था। जाके पैर न फटे बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को गरीबी और उसके दुष्परिणामों का अभिशाप का अंदाजा था। सरकार में आने के बाद चाहे गुजरात के मुख्यमंत्री हो, चाहे देश के प्रधानमंत्री हो, उनकी चिंता केवल गरीबों के प्रति थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से पार्टी की सरकार बनेगी। उन्होंने राज्य सरकार की कार्यशैली की आलोचना भी की। तो इस पर निर्भर करेगा कि हम जनता का विश्वास अर्जित करने में सफल होते हैं या वो जनता का विश्वास अर्जित करने में सफल होते हैं। इस अवसर पर सांसद सुदर्शन भगत, जिलाध्यक्ष अनूप चंद्र अधिकारी, पूर्व विधायक कमलेश उरांव और शंकर उरांव समेत कई अन्य नेता मौजूद थे। गुमला से बलदेव प्रसाद शर्मा की रिपोर्ट। केंद्र सरकार के 9 साल को लेकर महीने भर तक चलने वाले महासंपर्क कार्यक्रम के तहत आज गुमला में लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन को झारखंड भाजपा के प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने 9 वर्षों में मोदी सरकार के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को लेकर हुए ऐतिहासिक कार्यों के बारे में बताया। देश में आज जन जन तक किफायती स्वास्थ्य सुविधाएं सुगमता से पहुंच रही हैं। पिछले 9 वर्षों में देश में स्वास्थ्य सुविधाओं में क्या कुछ बदलाव आए हैं, आइए देखते हैं। भारत सरकार की योजनाओं और प्रयासों ने पिछले 9 वर्षों में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र की तस्वीर बदल दी है। आज जन जन तक किफायती स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच रही हैं। आज लोगों को सस्ती, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। चलिए आपको बताते हैं कि पिछले 9 वर्षों में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या कुछ बदलाव आया है। बता दें कि पिछले 9 वर्षों में देश के स्वास्थ्य बजट में 140% का इजाफा हुआ है। साल 2013-14 में देश का स्वास्थ्य बजट 35,872 करोड़ रुपए था, जो साल 2023-24 में 86,175 करोड़ रुपए का हो गया है। वहीं पिछले 9 वर्षों में सरकार द्वारा स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति खर्च में 81% का इजाफा हुआ है। साल 2014-15 में स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति खर्च 1,108 रुपए था, जो अब 2,014 रुपए हो गया है। इसके अलावा देश में पिछले 9 वर्षों में MBBS की सीटों में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है। 2014 में देश में MBBS की 51,348 सीटें थी, जो अब बढ़कर 1,00,000 से ज्यादा हो गई हैं। वहीं PG मेडिकल की सीटें भी दोगुनी हो गई हैं। साल 2014 में देश में 31,185 PG मेडिकल की सीटें थी, जो अब बढ़कर 65,335 हो गई हैं। अगर बात करें पिछले 9 वर्षों में स्वास्थ्य क्षेत्र की कुछ उपलब्धियों की, तो साल 2018 में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना लाई गई, जिसके तहत प्रति परिवार प्रति वर्ष 5,00,000 रुपए तक का मुफ्त इलाज मुहैया कराया जाता है। अब तक इस योजना के तहत 23 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। वहीं नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत 40 करोड़ से ज्यादा लोगों का हेल्थ डेटा डिजिटल किया जा चुका है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और कृषि यंत्रों पर दी जा रही सब्सिडी छोटे और मध्यम किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। कृषि के क्षेत्र में बदलाव के कारण नए दौर के युवा भी कृषि को करियर के रूप में अपना रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से दी जा रही सुविधाओं के कारण आज देश के किसान समृद्धि की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। आज के दौर की तकनीकी आधारित कृषि में केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं ने किसानों की राह आसान कर दी है। रांची के ओरमांझी के किसान रोहित प्रमाणिक इसके बेहतर प्रमाण हैं।
रोहित को 90% अनुदान पर ड्रिप सिंचाई प्रणाली और दूसरे आवश्यक कृषि उपकरण तो मिले ही हैं, उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड, फसल बीमा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि समेत केंद्र प्रायोजित दूसरी योजनाओं का भी लाभ मिल रहा है। रोहित कहते हैं कि केंद्र सरकार का फोकस इस बात पर है कि कैसे निरंतर देश के किसानों की आमदनी बढ़े। किसान भाइयों को, बहनों को, जो भी है, उन लोग को बहुत सारे योजनाएं लेके आए हैं, जिसमें किसानों को बहुत सारे लाभ मिलते हैं। जैसे ड्रिप लाए, इसमें 90% सब्सिडी में दे रहे हैं, और बहुत सारे इसमें क्रेडिट कार्ड का भी है। फिर किसानों को जो मंथली में, जो 3 महीना में जो 2000 का जो दे रहे हैं रुपया, वो भी लाए हैं। रोहित आगे कहते हैं कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना तो छोटे और मंझोले किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। वे कहते हैं कि इस योजना से किसान बार बार कर्ज के दलदल में फंसने से बच रहे हैं। बहुत सारा फायदा है सर, छोटे छोटे किसानों की जो होती है ना, इसमें किसी को ऋण लेके, उधार लेके जो बीज या खाद जो खरीदना पड़ता था ना, ये चीज जो है उसकी बचत हो गई है। अभी ये हर 3 महीना में या 4 महीना में वो देती है 2000 रुपया करके। कृषक बहुल इस इलाके में रोहित अकेले किसान नहीं है जो केंद्र सरकार की कृषि और किसान कल्याण के प्रयासों की तारीफ करते हैं। उनके पड़ोसी किसान राम प्रसाद और संजय बताते हैं कि मौजूदा केंद्र सरकार किसानों के हित में कई कल्याणकारी योजनाएं लेकर आई है। वे कहते हैं कि अब पूंजी की समस्या नहीं रही और बिचौलियों से छुटकारा मिल गया है। पहले पूंजी के अभाव में बहुत दिक्कत होता था, उसके अलावा कहीं से बीज खाद वगैरह छोटा छोटा लेने से ऋण कर्जा बढ़ जाता था। अभी जो प्रधानमंत्री योजना के तहत जो 2000 करके 4 महीना में मिलता है ना, उससे सहयोग होता है। खाद बीज के लिए पैसा नहीं रहता था, तो वही पैसा निकाल के अपना खाद उद बीज उज खरीद लेते हैं छोटे छोटे किसान। मौजूदा केंद्र सरकार ने देश के किसानों की बहुआयामी जरूरतों का ख्याल रखकर योजनाओं को आकार दिया है। खाद, बीज और सिंचाई से लेकर प्राकृतिक विपदा की घड़ी में भी किसानों के साथ खड़ा रहने का प्रयास किया है। यही कारण है कि आज कृषि नए दौर के युवाओं की पहली पसंद बनती दिख रही है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। अगर आपको इंजेक्शन से डर लगता है तो अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब एक ऐसा इंजेक्शन आया है जो दर्द नहीं देता, सस्ता और प्रभावी भी है। इसे कोल्ड चेन की भी जरूरत नहीं। ICMR और IIT खड़गपुर ने यह पेनलेस माइक्रो नीडल बनाया है। देखिए यह खास रिपोर्ट। तो हमने एक ट्राई किया था, ये वो नीडल से कोई पेन नहीं होगा। और एक है जो वैक्सीन या डिलीवरी होते है, यू नीड सर्टेन टेम्परेचर, सो उसमें भी बहुत प्रॉब्लम होते है रिमोट जगह में मास पीपल का रीच करने के लिए। तो एक सोल्यूशन हम अप्रोच किया क्या विद ICMR collaborations, दैट वी मेड अ पैच जस्ट लाइक ए बैंडेड एंड वेयर द वैक्सीन विल बी इंटीग्रेटेड एंड यू जस्ट पेस्ट इट ऑन योर स्किन, इट विल ऑटोमेटिकली डिजॉल्व, राइट अमाउंट ऑफ वैक्सीन विल गो इनसाइड विदाउट एनी पेन एंड विदाउट एनी काइंड ऑफ एक्सपर्टीज। सो हम रिमोट लोकेशन में मिलियंस ऑफ पीपल दोज रिक्वायर द वैक्सीन, हम उसको रीच कर सकते हैं। कैसे है बताएं जरा, कौन सा? अच्छा, ये जो है एक पैच, आप देखा है येलो कलर की, इधर में बहुत सूक्ष्म ये है नीडल है एरेस, उधर में आपको वैक्सीन है। तो हम जस्ट उसको स्किन से दबा देंगे, उसमें पेन नहीं होगा, कोई रैश नहीं होगा, कोई इचिंग भी नहीं होगा, आपको बेबी मालूम भी नहीं पड़ेगा जो आपको वैक्सीन दे दिया है। तो ये है मोस्ट यूनिकनेस ऑफ दिस एंड इट इज कॉस्टिंग विद इन 10 रुपीज, सो आई कैन सेंड इट बाय पोस्ट बिकॉज यू डोंट नीड, यू हैव टू कीप दैट इन ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। नेक्स्ट कौन सा है सर? नेक्स्ट है क्या, आपको जो सपोज दीज आर नॉर्मल इंजेक्शन, सीरिंज के जगह में हम एक माइक्रो नीडल एरे डाला दिया, तो इसमें आपको इंजेक्शन में कोई पेन नहीं आएगी। ओके, सो दिस इज ऑल कार्बन, सो इट इज बायो कंपेटेबल, नो टॉक्सिसिटी, नथिंग। वैक्सीन जब लेते हैं या इंजेक्शन लेंगे वो दर्द नहीं होगा, खासतौर पे बच्चों के लिए एक बड़ी राहत है। बच्चे बहुत डरते हैं इंजेक्शन लेने से, उनके लिए एक बड़ी राहत।
नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में आज लातेहार पुलिस को सफलता मिली। माओवादियों के विरुद्ध जारी छापेमारी अभियान के तहत आज पुलिस ने मारक दस्ता गुरिला विंग के दो नक्सलियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस मामले की जानकारी देते हुए जिले के पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन ने बताया कि बूढ़ा पहाड़ को नक्सल मुक्त कराने के बाद हताश नक्सली किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में गारू थाना क्षेत्र के जंगल में भ्रमणशील थे। इसी दौरान सर्च ऑपरेशन के दौरान इनकी गिरफ्तारी हुई। कमांडर्स के खिलाफ था, तो इसी क्रम में आज हम लोगों ने नागेंद्र उरांव, जिसे नागेंद्र जी, चुलबुल जी, डॉक्टर जी भी कहा जाता है, और मैं बताना चाहूंगा कि ये माओवादी संगठन के गुरिल्ला विंग का कमांडर था। काफी खतरनाक उग्रवादी है ये, और साथ में गोदम कुरवा जो कि अलग अलग बड़े बड़े माओवादी लीडर्स के साथ रहा है, जिसमें विमल भी हैं, नवीन यादव भी हैं, कुछ समय रविंदर गंजू के साथ भी रहा है गोदम कुरवा। तो इन दोनों को हम लोगों ने गारू थाना क्षेत्र के धरवा बांध गांव जंगल के आसपास से हम लोगों ने गिरफ्तार। प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के सुप्रीमो दिनेश गोप की रिमांड अवधि पूरी होने के बाद आज उसे कड़ी सुरक्षा के बीच एनआईए के विशेष अदालत में पेश किया गया। एनआईए के आग्रह को देखते हुए कोर्ट ने दिनेश गोप को न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार भेजने का आदेश दिया। बालू माफियाओं के खिलाफ ईडी की छापेमारी आज लगातार दूसरे दिन भी जारी रही। झारखंड, बिहार और बंगाल में कुल 24 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई, जिसमें झारखंड के 9 ठिकाने शामिल हैं। झारखंड में जिन जगहों पर छापेमारी चल रही है उनमें हजारीबाग और धनबाद शामिल हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक छापेमारी में कई अहम दस्तावेज मिले हैं। दुमका में फेयर प्राइस शॉप डीलर्स एसोसिएशन ने अपनी मांगों को लेकर पुराना समाहरणालय परिसर में धरना दिया। धरना में जन वितरण प्रणाली के जिले के करीब 1000 दुकानदारों ने हिस्सा लिया। एसोसिएशन ने राज्य सरकार से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बकाया राशि तथा राज्य खाद्य निगम के आदेश के मुताबिक जूट के खाली बोरों के मद में बकाया राशि का भुगतान करने की मांग की। एसोसिएशन ने राज्य सरकार अपनी मांगों को पूरा करने के लिए 15 दिनों का अल्टीमेटम दिया है। महामहिम राज्यपाल को हम देने जा रहे हैं कि आप राज्य सरकार को निर्देश दें कि हमारी मांगों पर आवश्यक कार्रवाई की जाए, और नहीं तो 15 तारीख के बाद हमारे जो सबसे शीर्ष इस संस्था की जो कमेटी है, जिसको कोर कमेटी कहा जाता है, उस कोर कमेटी की बैठक में हम निर्णय लेंगे। जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों की मांग का भारतीय जनता पार्टी ने भी समर्थन किया। भाजपा नेत्री एवं पूर्व समाज कल्याण मंत्री लुईस मरांडी ने एसोसिएशन के धरना स्थल पर पहुंचकर कहा कि झारखंड में जनहित और जन कल्याण का एक भी काम नहीं हो रहा है। नुई तो एमो तो बाए बढ़ाया, एक हतावे बढ़ाया, सिर्फ इनको छीनना आता है, देना नहीं आता है। दुमका जिले के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के बरमसिया गांव में आज दुमका की ओर जा रहे एक अनियंत्रित हाइवा ने पहले एक कार को सामने से टक्कर मारी और फिर एक ऑटो को पीछे से टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में ऑटो पर सवार एक बालक और एक महिला की मौत हो गई। महिला की पहचान नहीं हो पाई है, जबकि 12 वर्षीय मृत बालक का नाम विमल मुर्मू है। इस दुर्घटना में विमल की मां गंभीर रूप से घायल है। घायल को मोहल पहाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे को लेकर स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है और उन्होंने दुमका रामपुर हाट सड़क को जाम कर दिया है। बरमसिया के आसपास जो है एक दर्दनाक एक्सीडेंट हो गया है, जिसमें एक बच्ची और एक महिला की मृत्यु हो गई है ऑन स्पॉट। उसी की सूचना पाते हुए यहाँ पे तुरंत मैंने आया और यहाँ देखा लोग जो है रोड जाम किए हुए थे। उन्हें समझाने का प्रयास किया गया और पोस्टमार्टम के लिए दोनों को भेजा गया है तुरंत। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से।
केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सह कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने आज हमेशा की तरह अपने चाराढ़े स्थित आवास पर जनता से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। कुछ आवेदनों पर कार्रवाई के लिए उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को यथोचित निर्देश भी दिया। धनबाद के बरवाअड्डा थाना के ठाकुर कुली के पास ठाकुर मोटर्स के मालिक संजीव आनंद ठाकुर को अपराधियों ने गोली मार दी। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें पहले नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए दुर्गापुर रेफर कर दिया गया है। साहेबगंज पुलिस ने रांची में डिजिटल मीडिया के आड़ में फर्जीवाड़े और ठगी कर रहे वसीम अकरम को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद साहेबगंज पुलिस उसे अपने साथ ले गई। वसीम पर साहेबगंज में SC/ST एक्ट समेत कई मामले दर्ज हैं। जमशेदपुर के परसुडीह स्थित कीताडीह में जीतेंद्र कालिंदी पर जानलेवा हमला करने के मामले में कोर्ट ने दोषी जीतू हैसा और गोलू कुमार को 6 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा इन पर ₹25,000 जुर्माना भी लगाया गया है। दुमका जिले के मुफसिल थाना क्षेत्र के बलिया डंगाल में रहने वाली एक सिपाही की विधवा ने SP कार्यालय में कार्यरत कांस्टेबल कुणाल राणा पर लगातार दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने सोमवार को पीड़ित महिला का मेडिकल जांच फूलोझानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कराया। झालसा के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जमशेदपुर द्वारा पटमदा प्रखंड कार्यालय परिसर में मन का मिलन पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत मेगा लीगल जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि डालसा के मीडिएटर कृष्णा प्रसाद समेत अन्य गणमान्य मौजूद थे। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गोइलकेरा पुलिस ने प्रतिबंधित अफीम की खेती करने वाले दो आरोपियों को, जो लंबे अरसे से फरार चल रहे थे, गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने दोनों को गांव बराईबीर से गिरफ्तार किया। किसी जमाने में रांची को तालाबों का शहर कहा जाता था। वर्ष 1929 तक रांची में कुल 194 छोटे बड़े तालाब और जलाशय हुआ करते थे, लेकिन अब इनकी संख्या घटकर महज 67 रह गई है, जिसके परिणाम स्वरूप पारिस्थितिक संतुलन गंभीर रूप से बाधित होता जा रहा है। झारखंड हाईकोर्ट के नवनिर्मित भवन परिसर में कोबरा सांप के निकलने से लोगों में अफरा तफरी मच गई। रांची के सर्प मित्र शुभम एवं उमा को वहां काम करने वाले कर्मचारियों ने इसकी जानकारी दी। सांप को पकड़ने के बाद उसे पतरातू जंगल में छोड़ दिया गया। पहलवान बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट अब अपनी ड्यूटी पर लौट गए हैं। ये खिलाड़ी दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे। भूषण पर यौन शोषण के आरोप इन खिलाड़ियों ने लगाए। पहलवान साक्षी मलिक ने विरोध प्रदर्शन वापस लेने पर स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा कि वे रेलवे के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी के साथ साथ सत्याग्रह जारी रखेंगे। जानते हैं मौसम का हाल। राज्य में लोगों को गर्मी से फिलहाल राहत मिलने के कोई संकेत नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 10 जून तक मौसम शुष्क रहेगा। उन्होंने बताया कि 8 जून से रांची समेत राज्य के उत्तरी और पूर्वी भागों में हीट वेव के हालात बन सकते हैं। हालांकि इस दौरान कुछ एक जगहों पर छिटपुट बारिश भी होगी, लेकिन अमूमन मौसम शुष्क ही बना रहेगा। कुछ हल्के बादल बन सकते हैं, कुछ हल्की वर्षा हो सकती है, बट ओवरऑल बोला जाए तो ड्राई वेदर रहेगा झारखंड में आने वाले 5 दिन में। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 38.6 और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 41.5 और न्यूनतम 27.2 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 42.9 और न्यूनतम तापमान 28.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने लोहरदगा के भक्सो और रामपुर गांव में ग्रामीणों से किया संवाद। अलग अलग योजनाओं का किया निरीक्षण। कहा, गांव विकसित होंगे तो होगा सभी का विकास। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने झुमरी तिलैया में नए पुस्तकालय भवन की आधारशिला रखी। कहा, इस नए भवन के बन जाने से युवाओं को होगा काफी फायदा।